किसी ने पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। दो मैचेस अभी होना बाकी हैं, बाकी के दो मैचेस शारजा में खेले जाएंगे और 3 मैच पाकिस्तान जीत चुका है। तीसरा मैच जो कि अबू धाबी में खेला गया, पाकिस्तान ने ये मैच भी 7 विकेटों से अपने नाम कर ली है। 3 विकेटें पाकिस्तान की गिरी हैं और 209 रन का हदफ पाकिस्तान ने 7 विकेटों से जीत लिया है। मामूला का आप देख सकते हैं, सेंचुरी के बाद खुशी मनाते हुए, जश्न मनाते हुए अपनी सेंचुरी को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज के मैच में भी पाकिस्तानी बॉलिंग भी खासी, बॉलर्स ने बड़ी जान लड़ाई और बॉलिंग बड़ी जानदार रही। उसके बाद बैट्समैनों ने भी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और कहें पाकिस्तान ने यह मैच जीत लिया है 7 विकेटों से। पाकिस्तान कामयाबी अपने नाम की है। 209 रन का हदफ पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर मुकम्मल कर लिया है। अबू धाबी से आपको अपडेट कर रहे हैं इस मैच की सबसे खास बात, पहले तो हसन अली की शानदार 5 विकेटें और उसके बाद डेब्यू करने वाले, अपना पहला ही मैच खेलने वाले इमाम उल हक की सेंचुरी है, जिन्होंने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी करने वाले वो दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं। पहले मैच में सेंचुरी जड़ दी है और वनडे इंटरनेशनल करियर में सेंचुरी करने वाले, पहले मैच में सेंचुरी करने वाले वो दूसरे पाकिस्तानी बन गए। सलीम इलाही के बाद वो दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तान ने 209 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने वनडे सीरीज भी अपने